कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। कुंभ राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और भगवान सूर्य देव जी से प्रे करती हैं कि आप अपने जीवन में कभी कोई मुसीबत, कभी कोई संकटों का सामना ना करें। जी हाँ, आप लगातार अपने जीवन में दिन दोगुनी रात सोगुनी तरक्की करें। कुंभ राशि वालों बधाई हो, आज दोपहर 3:59 के बाद ये दो बड़े देवता आपके घर आ रहे हैं, आपके घर को स्वर्ग बनाने। जी हाँ, अब आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा कुंभ राशि वालों, अब आप घर बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ कुंभ राशि वालों, एक प्रकार से यूं कहे तो अब आप करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। जी हाँ, और क्योंकि दोस्तों देवों के देव महादेव जी और साथ ही साथ भगवान विष्णु देव जी आपके घर आ रहे हैं, अब खुलेगा आपके बंद किस्मत का ताला। जी हाँ, पूरे 5 लाख की संपत्ति आज आपको हाथ लगने वाली है, क्योंकि कुंभ राशि वालों दो बड़े देवता का निराला खेल शुरू होगा। और जब ये दोनों देवता अपना निराला खेल शुरू करेंगे तो दोस्तों आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ, आज दोपहर 3:59 के बाद आपकी जिंदगी में हड़कंप मचेगा, जिससे पूरे गली मोहल्ले में आप खुशियों की जश्न मनाओगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अच्छे लोगों को भगवान थोड़ी देर से देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं इतना याद रखना छप्पड़ फाड़ के देती हैं। और ठीक ऐसा ही आज दोपहर 3:59 के बाद आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अगर आपको भगवान की लीला को समझनी है, भगवान की महिमा को जाननी है, तो भगवान पर भरोसा करना सीखिए। जी हाँ, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि दोस्तों इंतजार का फल मीठा होता है। भगवान वो नहीं देते हैं जो आपको अच्छा लगता है, भगवान वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, आपके भविष्य के लिए अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 3:59 के बाद ये दो बड़े देवता आपके घर आएंगे, लेकिन आपको पहचानने में भूल नहीं करनी है। और जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भगवान आपके घर इनडायरेक्ट नहीं आएंगे, भगवान आपको कुछ संकेत को देंगे, उन संकेतों को आपको समझना होगा। अगर आप समझ गए तो आप माला माल हो जाओगे। जी हाँ, तो तैयार रहना आज दोपहर 3:59 के बाद बड़ी बड़ी खुशखबरी के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज आपको वो खुशखबरी मिलेगी, आज आपको वो चीज मिलेगी जिसके लिए आप तरस रहे थे, जिसकी आपको तलाश थी। जी हाँ, ग्रह गोचर पर आधारित सभी जानकारियां दे रहे हैं, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान महादेव और भगवान विष्णु देव जी के जो भी सच्चे भक्त हैं, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो विष्णु देव महाराज जरूर लिखें। इससे दोस्तों दोनों देवता प्रसन्न होंगे और आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। कुंभ राशि वालों, अगर आपको कामयाब होनी है तो ये 5 बातें छोड़ दो। पहले नंबर में लोग क्या कहेंगे, दूसरे नंबर में मुझसे नहीं होगा, तीसरा मेरा मूड नहीं है, चौथा मेरी किस्मत खराब है, और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर ये 5 बातें आप अपने जीवन से निकाल कर फेंक देते हो तो आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों ये 5 बातें आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। कोशिश करें ये 5 बातें आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज शाम 3:59 के बाद कौन से बदलाव आप सभी के जीवन काल में लेकर आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है, आज दोपहर 3:59 के बाद दो बड़े देवता आपके घर आ रहे हैं। जी हाँ, जिससे कि आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत हद तक संभावना है कि आज आपको अधिक से अधिक मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, लेकिन आपको गलत रास्तों का चुनाव नहीं करनी है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, जब वो मुसीबत में होते हैं, जब वो परेशानी में होते हैं, तब वो अपनी किस्मत को दोष देकर, अपने भगवान को दोष देकर वो गलत रास्तों का चुनाव कर लेती हैं, जो कि उनके लिए सही नहीं होता है। तो ये चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है कि आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके नसीब में है। जी हाँ दोस्तों, आप जिसके लायक हैं वही चीजें आपको मिलेगी। चिंता मत कीजिए, जो भी होता है वो सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। आज दोपहर 3:59 के बाद समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको लाभ ही लाभ होगा, लेकिन मेहनत और कॉन्फिडेंस दोनों बनाए रखना होगा। जी हाँ, सही समय पर सही मेहनत करोगे तो सफलता सीधे सीधे आपकी कदम चूमेगी। ये मैं फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों भगवान एक ही बात कहते हैं, तुम अपने काम पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। फल देने के लिए ऊपर वाला भगवान बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भगवान की न्याय की चक्की जरा धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना वो पीसती बड़े ही बारीकी से। जी हाँ, बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिएगा, गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज दोपहर 3:59 के बाद आप अपने प्रेम संबंधों में अधिक रोमांस महसूस करेंगे। जी हाँ, अपने दिनचर्या में बदलाव करके या अपने साथी की पसंद का ख्याल रख के आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होगी। अपने पार्टनर से अपने प्यार जताने के लिए उसे फूल, चॉकलेट या फिर कोई खास उपहार दे सकती हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने साथी के साथ हर विचार शेयर करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आज आपका सबसे मुख्य काम है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, सितारे कहती हैं कि आज आपको अपने मामा पक्ष की ओर से धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रही है, लेकिन आज आपको बोलने में सावधानी रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बात बात पर आप कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, जिनका खमियाजा आपके लिए जो है दिक्कत हो सकता है। जी हाँ, आगे चलकर परेशानी ना हो, मुसीबत ना हो, इस तरह का कोई भी काम ना करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आज आप किसी नए कामों की शुरुआत करना चाहती हैं तो दोपहर के पहले से ही, यानी कि 3:59 से पहले ही आप उस कामों को करने की कोशिश करें, सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। जी हाँ, सितारे कहते हैं गाड़ी वाहन का प्रयोग आज आप सावधानी पूर्वक करें तो ये आपके लिए बेहतर होगी। आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए मुसीबत का कारण भी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप निवेश करना चाहती हैं तो दिल खोल कर निवेश कर सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी है और निवेश दोपहर 3:59 के बाद ही करनी है। जी हाँ, उसमें आपको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ हो सकता है। दोस्तों अगर इन बातों को आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।